हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप इग्नू में गोल्ड मेडलिस्ट कैसे बन सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम से पहले क्यों कर रही हूँ मैं अपलोड ये वीडियो, क्यों? ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले, आप अच्छे से एग्ज़ाम दें अपने, ताकि आप गोल्ड मेडलिस्ट बन सकें इग्नू में। तो कुछ 5 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो पहली चीज़ क्या, आपको मिनिमम ड्यूरेशन में अपना प्रोग्राम कम्प्लीट करना है। अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो मिनिमम 3 ईयर्स होती है, मैक्सिमम 6 ईयर होती है। तो मिनिमम पीरियड 3 ईयर्स है, तो 3 ईयर्स में आपको ग्रेजुएशन। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं तो वो मिनिमम 2 ईयर्स और मैक्सिमम 4 ईयर्स की होती है। तो आपको 2 ईयर्स में कंप्लीट करनी है, ठीक है। मिनिमम ड्यूरेशन में आपको अपना प्रोग्राम कम्प्लीट करना है और सिंगल अटैम्प्ट में आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। मीन्स मान लीजिए आपकी बैक आ जाती है, ठीक है, आपने जून वाले एग्ज़ाम दिया, आपकी बैक आ गई, फिर आपने उसे दिसंबर में दे दिया, लेकिन आपका जो पूरा कोर्स था वो 2 साल में ही कंप्लीट हुआ, तो आपकी यहाँ बैक आ गई, मतलब आपकी एक सिंगल बैक नहीं आनी चाहिए, एक अटेम्प्ट में ही आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर हुआ, मैक्सिमम मार्क्स होने चाहिए भाई, जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे ऑल ओवर इंडिया, जितने भी स्टूडेंट एक प्रोग्राम में एनरोल कर रखा है, तो जिसमें आप जब आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे तो आप टॉपर कहलाएंगे। और कम से कम फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए, ये नहीं सिर्फ आपके मैक्सिमम मार्क्स है और आपकी फर्स्ट डिवीज़न नहीं है तो आप टॉपर बन जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स के साथ भाई सारे बच्चों में सबसे ज़्यादा नंबर आपके हैं, लेकिन आपकी फर्स्ट डिवीज़न नहीं है तो आपको गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। आपकी फर्स्ट डिवीज़न भी होनी चाहिए और आपके ऊपर कुछ चीटिंग का या आपके असाइनमेंट मिस्टेक वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें अगर हैं आपके पास, ठीक है, तो आप गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते हैं। तो इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए। अब आपके पास 1 महीना 15 दिन है, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और खूब तैयारी कीजिए। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको टाइम मिलता है, आप हाउसवाइफ हैं, ठीक है, आप वर्किंग है, भाई जितना भी टाइम मिल रहा है आपको, 5 मिनट 10 मिनट वीडियो देखिए, ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं है, वीडियो देखिए, अपनी तैयारी कीजिए। बाकी न्यू वीडियोस आपको जल्दी ही मिलेंगी चैनल पे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू।